मुझे याद है मैं थर्ड ईयर में था। इस कॉलेज में मेरा आखिरी साल, फाइनल एग्जाम होने से पहले एनुअल फंक्शन होने वाला था। अब क्योंकि मैं टीचर का चहेता था, कॉलेज पॉलिटिक्स में अच्छे पैठ रखता था, हालांकि मुझे प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत बार कहा गया, लेकिन मेरे शौक ज़रा हटकर थे। मैं पहले नंबर के बजाय दूसरे नंबर पर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ मनमर्जियाँ और गलतियाँ करने की आज़ादी ज़्यादा होती है। तो पूरे कॉलेज की सफाई, पोस्टर लगाना, इनविटेशन कार्ड छपवा कर बांटने से लेकर जो स्टूडेंट एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके कपड़े, सामान और रिहर्सल ठीक ठाक हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे पहला काम दिया गया उन बच्चों के नाम और फोन नंबर लिखना जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इस पृथ्वी पर इससे अच्छा काम और क्या होगा। कॉलेज बहुत बड़ा नहीं था, उसमें 4,000 बच्चे थे, जिसमें से ज्यादातर तो आते ही नहीं थे। उन्हें बस एनुअल फंक्शन में जश्न, खूबसूरत लड़कियां और इनका डांस देखने आना होता था। 100 स्टूडेंट की ज़रूरत थी, जिसमें से 80 लड़कियां थीं। लड़के तो वही 15-20 जो हर एक्ट में कुछ ना कुछ बनकर रिपीट आ सकते थे। मैं इच्छुक बच्चों के नाम लिखने के लिए लगभग हर क्लास में गया, बड़ी संजीदगी और तमीज़ के साथ सब लड़कियों को होने वाले प्रोग्राम के बारे में बताया। उन्हें बताया कि उन्हें किस टीचर के साथ संपर्क करना है, रिहर्सल के लिए कॉलेज में शाम के कितने बजे तक रुकना होगा, और मैं दोबारा आऊँगा ताकि तुम लोग अपने अपने घरों में पूछ लो, देख लो किसके घर वाले अलाउ करते हैं और किसके नहीं। बाकी कोई चेंजेस हुए तो सुबह नोटिस बोर्ड देख लेना। ये मेरा एक्टिंग है, क्योंकि मुझे लड़की पटानी है। अब क्योंकि मैं जानता था कि आने वाले 2 महीनों तक इन लड़कियों को मेरे ही लीडरशिप में रहना है, तो अभी से मैं इन सभी को अपना दोस्त बनाकर नहीं रख सकता था। मैं इतना डेडिकेटेड भी लग रहा था कि कोई मेरे हेल्प के बिना डायरेक्टली किसी टीचर के साथ संपर्क ना कर ले। अगली बार मैं दोबारा उनके पास गया। लड़कियां एक दूसरे का नाम लिखाती, मजाक बनाती, हंसती। सबने अपना नाम लिखवाने में आधा आधा घंटा लिया। मैं वैसे ही मुस्कुराता हुआ अपनी पर्सनल डायरी लिए सबके नाम लिखता रहा। ये मेरी डायरी थी, कॉलेज वालों को तो मैं एक पेपर पे इसकी कॉपी लिखकर देने वाला था। शाम होने को आई, मैं आखिरी क्लास में गया। दरवाजे से एंटर करते ही मेरी नज़र एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी। बहुत प्यारी थी वो, मैं तो सारे तंत्र मंत्र भूलकर बस उसे ही देखता रह गया। गोरा रंग, गुलाबी होठ और ये बड़ी बड़ी आंखें। वो मेरा चेहरा देख रही थी और मैं भगवान। जल्द ही मैंने खुद को उस लड़की के अट्रैक्शन से बाहर निकाला और पिछले दिन इंटरेस्ट दिखाने वाले लड़कियों के पास जाकर उसके तरफ पीठ दिखाकर खड़ा हो गया। हाँ गर्ल्स, मुझे आज ही फाइनलिस्ट बनानी है, तो बताओ कौन कौन इन है और कौन कौन आउट। बेशक वो पीछे से मेरे ताकतवर डिलडॉल देख रही थी। 180 डिग्री का एंगल, उसकी तरफ पूरी तरह पीट करना, एक तो उस खूबसूरत लड़की की ईगो हर्ट होगी और दूसरा ये बॉडी लैंग्वेज सुरक्षा और संपन्नता को दिखाती है। उसकी दोनों सहेलियां उठकर मेरे पास आ गई और वो मेरे पीछे से उठकर क्लास से बाहर शायद घर चली गई। पहले भी कई बार स्टूडेंट की भीड़ में मुझे ये लड़की कभी कभी नजर आ जाती थी, पर मैं उस वक्त किसी और लड़की पर ध्यान दे रहा होता था और ये कभी कभी कॉलेज आती थी, हफ्ते में 1 या 2 दिन। खैर, अगले दिन से तैयारियां शुरू हो गई। बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए एक हॉल और एक ड्रेसिंग रूम दिया गया। पहले हफ्तों में सबसे ज्यादा काम था। मैं लड़कियों की जरूरतों को भाग भाग कर पूरा करता, गड़बड़ियों को ठीक करता। उन्होंने 10-12 छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रखे थे। एक तो मेरा नाम भी नौकरों जैसा है, राजू। फिल्मों और कहानियों में राजू नाम के नौकर होते हैं, तो सब मुझे उसी टोन में काम बताती कि राजू जाओ मेरे लिए छोले भटूरे लेकर आओ, कि राजू मेरे सैंडल टूट गया है उसे मोची से ठीक करवा कर लाओ। लेकिन मेरा वैभव देखकर वो आपे से बाहर भी नहीं होती थी। जब लड़कियों की ज़रूरतें लगभग पूरी हो गई तो मेरा काम का बोझ थोड़ा कम हुआ। अब मैं इन भीड़ में से मेरी पसंद की 3 लड़कियों को चुना, सबसे हॉट हॉट 3 लड़कियां, रमला, कोयना और खाब। अब मैं बस इन 3 लड़कियों की सुनता और मानता। मैंने पॉलिटिक्स का गेम खेला और इन 3 लड़कियों को हेड बना दिया। अब यही 3 मुझे सब लड़कियों की जरूरतें बताती, मेरा मैसेज उन तक पहुँचाने से लेकर उन्हें बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात करने से रोकती और रिहर्सल भी करवाती। हाँ, मैं इन 3 के साथ खूब फ्लर्ट करता, तारीफें और डबल मीनिंग बातें करता। मैं फुल एंजॉय कर रहा था। प्ले के लिए कलाकारों के कपड़े, मिट्टी के घड़े और एक्ट में यूज होने वाली बाकी चीज़ों की खरीदारी के लिए मैं इन्हीं 3 को ले जाता। हम लोग बाजारों में घूमते, गोलगप्पे खाते, मैं कभी इसको गले लगाता कभी उसको। 3 कन्फ्यूज थी कि मैं किसके पीछे हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज तो मैं खुद था। पसंद तो मुझे 3 ही थी, पर मेरा दिल उस लड़की को याद करते रहता। दरअसल मैं इन 3 से सिर्फ अपना मन बहला रहा था। मैं इन्हें प्यार ही नहीं करता था, इसलिए बोल भी नहीं रहा था। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम सबसे करते फिरो, प्रपोज कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम किसी को भी कर दो, ये बड़ा गंभीर मामला है। तुम किसी की जिंदगी में घुस रहे हो, वो तुम्हें अपनी जिंदगी का, अपने दिल का, अपने दिमाग का सबसे खूबसूरत कमरा देगा। तुम उसकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बनोगे, इसलिए प्यार और प्रपोज कभी मजाक में नहीं करना है।
ये बड़ा सीरियस मामला है। खैर काफी होशियार लड़कियां थी, खूब इंजॉय कर रही थी। तीनों कभी डांडिया की, बंजारों की और कभी पानी भरने आई राधा की ड्रेस पहनकर पूरे कॉलेज में यहाँ से वहाँ घूमती फिरती और लड़के हाय हाय करते हुए गिरते पड़ते। शाम को 4 बजे के बाद प्रैक्टिस करने वाले बच्चे पढ़ाई करके घर चले जाते और मैं 7 बजे तक रिहर्सल करने वाली लड़कियों के साथ अच्छा वक्त बिताता। वो लड़की अपनी दोनों सहेलियों के साथ मुझे बीच बीच में नजर आ जाती। बेशक उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे नजर तो आ रहा था ना। मैंने आजकल किन तीन तितलियों को कॉलेज की महारानियां बनाया है। वो कई बार मेरे पास से गुजरती और मैं उसकी तरफ पीट करके इन तीनों को हाईलाइट करने में लगा रहता। फ्राइडे का दिन था, मैं कुछ सामान लेकर कॉलेज में एंटर हुआ। देखा वो लड़की कॉलेज के बीचों बीच बने मीडियम साइज के गार्डन में लगे इकलौते बेंच पर बैठी है। मैंने जल्दी से बाइक पार्क की। सही मौका हो या ना हो, मैं खुद को उससे बात करने के लिए रोक नहीं पाया। मैं वॉक करते हुए उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, हाय। उसने कहा, हेलो, आप किसी एक्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही। उसने बैठे बैठे ही हाथों से आंख में पड़ती हुई धूप को रोकते हुए मुझे देखा। बोली, जी नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका फेस बहुत अच्छा है, यू आर सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। वो उसी तरह बैठे बैठे मुझे देखती रही। पूरे फंक्शन में एक भी खूबसूरत लड़की हो तो कई गलतियां छुप जाती हैं। वो अब मुस्कर आई और मैं बेंच के दूसरे तरफ बैठ गया ताकि मुझे देखते हुए उसकी गर्दन ना थके। मैं तो कहता हूँ मेरे वाले एक्ट में जिसमें 30 लड़कियां पानी भरने आई गोपियां बनकर कृष्ण से बचती फिर रही है, उनमें सबसे सुंदर राधा की जगह आपको होना चाहिए। आपके चेहरे के चमक से तो पूरा स्टेज चमकने लगेगा। वैसे 3 लड़कियां हैं जो राधा की जगह लेने के लिए मरी जा रही है, लेकिन आपकी तो बात ही अलग है। उसने 1 सेकंड के लिए मुझे देखा और जोर से हंसी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना। मैंने कहा, कम ऑन, आपकी वजह से मैं फर्स्ट प्राइज जीत जाऊंगा। वो बोली, नहीं नहीं, मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने कहा, अरे वहाँ करना कुछ नहीं है, आपको बस घड़ा लेकर बीच में बैठना है। डांस तो बाकी लड़कियां करेंगी और कृष्ण भी एक लड़की ही बनेगी। वो नाना में सिर हिलाती जा रही थी। मैंने कहा, अब तो गलत भी करेंगी तो क्यूट लगेंगी। बड़ा खुश हुई, उसकी हंसी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। वैसे इतना बड़ा जोक नहीं मारा था मैंने, पर वो हंस रही थी तो अच्छा है। मेरी हिम्मत बढ़ी, मैं और कुछ कहने ही वाला था कि वो उठी और बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना, और चली गई। कमाल हो गया। वो अगले दिन आई, 3rd फ्लोर के कोने में हमेशा लॉक रहने वाले क्लासेस के सामने बंद पड़े धूल खाए हुए पंखे के नीचे अपनी किताबों पर कोहनी रखकर वो नीचे कॉलेज के बच्चों को चहलकदमी करते हुए देख रही थी। भगवान मुझ पर मेहरबान था, दूसरे दिन भी अकेली मिल गई। मैं पीछे से गया और